मंडला, दो बच्चों के साथ नर्मदा नदी में छलांग लगाई माँ। बड़े बेटे व माँ को सुरक्षित निकाला, छोटे बेटे की तलाश जारी। सोमवार की दोपहर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। घटना थाना कोतवाली के अंतर्गत रपटा पुल की है, जहां लोगों के देखते देखते एक महिला ने अपने दो बेटों के साथ अचानक नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। महिला व एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, वहीं एक छोटे बच्चे का पता नहीं चल रहा है। सूचना के बाद होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। लोगों ने बताया कि महिला के कूदने के दौरान मौके पर कोई गोताखोर नहीं था, जबकि वर्तमान में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। महिला के कूदने के बाद नदी में नारियल पकड़ने वाले बच्चों ने तत्काल छलांग लगा दी और महिला व एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इस संबंध में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा है कि छोटे बच्चे की तलाश की जा रही है। महिला ने किस कारण से यह कदम उठाया, इसकी जांच की जाएगी। वहीं अपनी जान जोखिम में डालकर महिला व एक बच्चे की जान बचाने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। करीब 3:30 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और उसके साथ दो बच्चे हमारा जो मेन नर्मदा का पुल है वहाँ से दो इन्होंने छलांग लगाई है। वहाँ पे पुल पे जो उपस्थित हमारे कुछ नारियल जो हैं वो सब एकत्रित करने वाले हमारे कुछ लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके माध्यम से एक जो महिला थी और उसके जो बड़ा बेटा था उन दोनों को रेस्क्यू हम कर पाए हैं सक्सेसफुली। एक छोटा बच्चा है जिसका उम्र करीब 2.5 साल के लगभग का बताया जा रहा है, उसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। टीम हमारी जो जिला कमांडेंट होमगार्ड की पूरी टीम है और हमारे बाकी भी जो गोताखोर हैं पंचायत और नगरीय निकाय से, उनको भी हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि हम जो दूसरा हमारा छोटा बच्चा है उसका भी हम जल्दी से जल्दी उसको भी हम खोज निकालें। अभी फिलहाल हम लोगों के पास में इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि किस कारण से उस महिला ने छलांग लगाया था। उसके लिए विधिवत हम लोग इन्वेस्टिगेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस भी होंगे क्योंकि ये सुसाइड का मामला भी है तो उसके अंतर्गत भी कार्रवाइयाँ जो होनी है, जब तक उसका हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे उसके बारे में हम आपको कुछ नहीं कहते। आखिरी में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नर्मदा नदी में अक्सर हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, रेस्क्यू के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम वहां पे नहीं होते और ये तीसरी चौथी घटना है जो हम लोगों ने खुद ने देखा है कि ऐसे टाइम में वही गोताखोर जो स्थानीय मछुआरे जो होते हैं नारियल पकड़ने वाले होते हैं वो बच्चे मदद करते हैं, उनके कहीं प्रोत्साहन के लिए कोई? बिल्कुल, जैसा कि आपने खुद ही कहा और हम लोगों ने भी आज जो एक्सपीरियंस किया कि हमारे जो लोकल कुछ लोग हैं जो वहाँ पे नारियल इत्यादि पकड़ने के लिए रहते हैं उनके सहयोग के कारण ही आज हम दो लोगों को रेस्क्यू कर पाए।
तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम प्रोत्साहित तो करेंगे ही, साथ में हमारा जो ओवरऑल होमगार्ड का पूरा एम्बिट होता है ट्रेनिंग को लेकर, उसके अंतर्गत भी हम उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी करवाएंगे और हमारे लोगों का भी हम इस तरह से इंटरफेस रखना चाहेंगे, विशेषकर हमारे जो कुछ ऐसे पुल पुलियाँ हैं जहाँ पर विशेषकर इस तरह की घटनाएँ होती आई हैं, वहाँ पर एक टीम को हम भी तैनात करने की कोशिश करेंगे ये बरसात के दिनों में और जब तक बहाव काफ़ी ज़्यादा रहे, परंतु जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको भी हम अपनी टीम के साथ में जोड़ने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।